गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। टारगेट क्लास एनएम एग्ज़ाम 2021। अभी एनएम की वैकेंसी आई हुई है 8853 उनके लिए जो नर्सिंग से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट टारगेट क्लास को ज्वाइन करें और अपने जो पीडीएफ फॉर्मेट है या जितने भी ये जो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो आप तक पहुंचाया जाएगा। टारगेट क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप सबसे पहले इस व्हाट्सएप नंबर पे 9470481681 पे अपना नाम एंड आपने कहाँ से एनएम स्कूल पास आउट किया है तो उसका डिटेल भेजें और उसके बाद में आपको परमिशन दी जाएगी। देखिएगा कुछ आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वन वे लाइन के क्वेश्चन हैं और ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। वीवीआई वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से नोट करके रखना है ताकि आपको एग्ज़ाम के अंदर गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ बॉर्न, मतलब एक ह्यूमन के अंदर कितना टोटल बॉर्न होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ मसल्स, ह्यूमन के अंदर टोटल कितनी मसल्स होती है ना, तो मसल्स के बारे में को कितनी मसल्स होती है 239 है ना, 739 मसल्स होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर ग्लैंड, बॉडी के ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है उसमें से जो मास्टर ग्लैंड है वो किसको बोलते हैं, तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, याद रखना है किसको बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसके बाद में नेक्स्ट है लार्जेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन सबसे लंबी हड्डी, लार्जेस्ट बोन का मतलब हिंदी के अंदर लिखेंगे सबसे लंबी हड्डी, कौन सी हड्डी है, फीमर, कौन सी हड्डी है, फीमर, जो लोअर एक्सट्रीमिटी का पार्ट है, कहाँ का पार्ट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का पार्ट है, और कौन सी हड्डी है, हड्डी का नाम है फीमर। नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी हड्डी है, स्टेपिज बोन, कौन सी बोन है, स्टेपिज बोन, और ये कहाँ पे पाई जाती है, इन ईयर, इन ईयर। क्वेश्चन आपका ऐसा भी आ सकता है कि सबसे छोटी हड्डी है वो कहाँ पे पाई जाती है, ईयर के अंदर, कहाँ पे पाई जाएगी, ईयर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, सेरेब्रम, कौन सा है, सेरेब्रम, और ये सेरेब्रम है, देखो एक तो है सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम, बेलम, एक है सेरेबेलम और एक है सेरेब्रम, ब्रह्म मतलब ब्रह्मांड है ना, तो ऐसे याद रखना है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा है, सेरेब्रम। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ रिब्स, पसलियों की टोटल संख्या कितनी होती है, रिब्स टोटल कितनी होती है, 12 पेयर। देखो क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर यदि 24 आ रहा है या 12 पेयर आ रहा है, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा है ना, दो दो का जोड़ा, तो यदि 24 आ रहा है तो भी सही है और 12 पेयर आ रहा है तो भी सही है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो जैसे एक में दे दिया 24, दूसरा दे दिया 24 पेयर और तीसरे के अंदर दे दिया बोथ ए और बी है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ये आपका सी जाएगा आंसर, ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। क्वेश्चन को कभी भी हड़बड़ी के साथ में नहीं देखना है और अच्छे से पहले ए बी सी डी इनको पढ़ लेना है और उसके बाद में आंसर देना है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, लीवर, लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, कि जब ब्रीथिंग करते हैं इन और आउट, जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तो ये एक नॉर्मल वॉल्यूम कितना लंग्स के अंदर ले रहे हैं, तो एक टाइम के अंदर जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 500 ml, तो उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होगा, 500 से कम है तो बिलो टाइडल वॉल्यूम होगा और ज़्यादा है तो क्या है, टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल बॉडी वाटर, बॉडी के अंदर
टोटल फ्लूड कितना होता है, फ्लूड की मात्रा की बात करते हैं तो 60% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का कितना 60%, बॉडी वेट का कितना परसेंट है 60%। नेक्स्ट बात करते हैं पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस है ना, तो किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जो सेल है उसका सेल का पावर हाउस किसको बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, सेल की जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो किस नाम, किनको बोलेंगे, वो है राइबोसोम को बोलेंगे, किसको बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट एबुंडेंट टिश्यू, मोस्ट एबुंडेंट टिश्यू कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड एक किसका एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू का, इम्पोर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है वो, उसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लड। तो ये मोस्ट एबुंडेंट टिश्यू है, सबसे इम्पोर्टेंट टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच कितनी होती है, रेंज की बात करें तो 7.35 से लेकर के 7.45, यदि एक एग्जैक्ट बात करें तो 7.4, ठीक है ना, एग्जैक्ट बात करें तो 7.4, और यदि यदि 7.4 रेंज की बात करें तो 7.35 से लेकर के 7.45, यदि इससे रेंज कम रहती है तो उसको बोलते हैं एसिडिक कंडीशन, है ना, एसिडिक, ब्लड के एक अंदर क्या है, एक एसिडिक कंडीशन हो गई। यदि पीएच है वो 7.45 से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो गई, BASE, बेस कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अमाउंट ऑफ ब्लड, बॉडी के अंदर कितना अमाउंट होगा, ठीक है ना, तो अमाउंट की बात करें, परसेंटेज की बात आती है तो 7 to 9% ऑफ द बॉडी वेट, बॉडी वेट जितना है उसका 7 to 9% अमाउंट होता है ब्लड, बॉडी ब्लड है वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। यदि ऐसी बात करें कि एक ह्यूमन के अंदर, एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर टोटल ब्लड की मात्रा होगी वो 5 to 6 liter, कितना है, 5 to 6 liter ब्लड बॉडी के अंदर होता है। लार्जेस्ट कैविटी, कैविटी सबसे लार्जेस्ट कैविटी कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी, कौन सी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, आरबीसी का लाइफ स्पेन होगा 120 days, कितना है 120 days, 120 days, कितना 120 days। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, मतलब सर्वदाता, सभी को ब्लड दिया जा सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, ओ नेगेटिव, क्या है, ओ नेगेटिव, जैसे ओ लिख दिया और ये नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब सभी से ब्लड ले सकता है बट दे किसी को नहीं सकता है, देगा किसको, ए या बी को, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, क्या है, ए बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ब्लड सेल, सेल के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, देखो सेल के अंदर कितनी सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, तो ये तीनों सेल है। इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, और आरबीसी होती है उसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, इसको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ये मैंने आपको पहले लिखाया हुआ है। देखिएगा कि सबसे पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी या जो ल्यूकोसाइट है, ये क्या है, लार्जेस्ट सेल है, है ना, ब्लड के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो है डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, टोटल ब्लड क्लोटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 13 होते हैं। सिक्स नंबर का जो क्लोटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की टोटल कितने काउंट्स होते हैं, 1.5 to 4.5 lakh, है ना, 1.5 to 4.5 lakh। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, आरबीसी कितनी होती है, ये मैंने आपको पहले लिखाया हुआ है, ठीक है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये नॉर्मल वैल्यू के अंदर आपको लिखाया हुआ है।
तो 4.5 से 5.5 मिलियन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बार करते हैं टोटल WBC 4000 से 11000। ओनली आर्टरी विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको VVI लिख लीजिएगा कि ऐसी कौन सी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना का काम करती है ना, कैरी का लिखा ना, ओनली विथ कैरी मतलब कैरी का मतलब ले जाना, तो पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। जैसे देखो थोड़ी सी बात करते हैं आर्टरी और वेन के अंदर, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, होता है कि नहीं होता है? देखो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ कि आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी के अंदर, हार्ट से लेकर के पूरे बॉडी के अंदर क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। कौन करती है? ये करती है आपकी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद में वेन का क्या काम होगा? वेन का काम होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसको बॉडी पार्ट से लेकर के वापस हार्ट के अंदर लाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर उल्टा है कि कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, तो वो है पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से कहाँ ले जाएगी? राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर ब्लड को प्यूरिफिकेशन होने के लिए लेके जाएगी, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के अंदर ले जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती है, है ना। वेन का क्या काम होता है? डीऑक्सीजनेट ब्लड को लाना, बट यहाँ पे एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करती है, वो कौन सी? पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन है वो लंग्स से जब प्यूरिफाइड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है, तो लंग्स से लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग से लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्योर ब्लड क्या करती है, डालती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आती है, तो ये है पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट बात करते हैं लार्जेस्ट, या लास्ट वाला को हटा देना, ये थोड़ा गलत हो गया था। लार्जेस्ट सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी कौन सी है? सीरियस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी लार्जेस्ट पेरिटोनियम, जो स्टोमक और उनकी जो वाल है उसके ऊपर कवरिंग लेयर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट का वेट की बात करते हैं। वेट हार्ट के अंदर मैंने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ाया था कि मेल और फीमेल के अंदर, जो मेल के अंदर होगा वो होगा आपका 310 ग्राम और फीमेल के अंदर होगा वो कितना होगा? 250 ग्राम। नेक्स्ट है वेट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन है जो मस्तिष्क है उसका वजन कितना होता है? 1.4 केजी। कितना होता है? 1.4 केजी या 2% ऑफ बॉडी वेट, बॉडी वेट का कितना परसेंट? 2%। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट, हार्ट के अंदर टोटल चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर। कितने होते हैं? 4 चैम्बर। जैसे ये हार्ट बनाया, हार्ट के अंदर ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये कितने चैम्बर होंगे? 4 चैम्बर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कितने हैं? 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml, सेम में 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है कार्डियक आउटपुट, है ना, कार्डियक आउटपुट, सॉरी कार्डियक साइकिल, ठीक है ना, कार्डियक आउटपुट नहीं है, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होगा कार्डियक साइकिल, इसका लिख दीजिए कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का मतलब है कि एक मिनट और फर्स्ट मिनट एक हार्ट बीट स्टार्ट होती है उससे लेकर के दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट होगी, इसके बीच का जो साइकिल होगा उसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल के अंदर एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इस कंडीशन में कितना ब्लड जो बाहर निकालेगा वो निकालेगा ml। नहीं है 70 ml, तो यहाँ पे ये mm को हटा करके ml लिख देना, ठीक है। अब कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5000 ml। कितना?
5000 ml। कार्डिक आउटपुट का मतलब हुआ कि एक मिनट के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, ब्लड जो हार्ट से पंपिंग करते बाहर निकालता है, तो वो होता है कार्डियक आउटपुट। अब देखिएगा, मैंने पहले क्या बताया था कि एक हार्ट बीट से दूसरी हार्ट बीट के अंदर जो जिसके दौरान कार्डियक साइकिल होगा, तो उसको कार्डियक साइकिल के अंदर कार्डियक जो ये स्ट्रोक वॉल्यूम है वो मतलब 70 ml होता है। ठीक है, तो 70 ml है वो एक बार में, है ना, ये कितनी बार में करता है पूरा 0.8 सेकेंड में कंप्लीट करता है। तो 0.8 सेकेंड के अंदर क्या करेगा, 70 ml ब्लड है वो पंप करता है। तो इसका मतलब है कि वो 60 मिनट के अंदर कितना करेगा, 4800 ml, है ना। तो 4800 ml मतलब 5000 ml हो गया ना हुआ, तो ये इस प्रकार काउंट करते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल का टोटल कंप्लीट होने के लिए कितना ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी कौन सी बोन होती है, ग्रेट सेफलस वेन। कौन सी होती है, ग्रेट सेफलस बोन, कहाँ पर होती है, फीमर बोन है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज पे होती है। मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैसन, ठीक है ना, देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक तो इंट्रा सेलुलर है, एक है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो मेन एक्स्ट्रा सेलुलर कैसन कौन सा होगा, सोडियम। कैसे याद रखोगे, सोडियम को Se, है ना, S मतलब सोडियम और E का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखोगे Se। कैसे याद रखोगे, Se से, E का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर कैसन, कैसन का मतलब आयन, तो कौन सा होगा, वो होगा सोडियम। अब दूसरा याद रखना है तो इसके विपरीत होगा इंट्रासेलुलर के अंदर, इंट्रासेलुलर में होगा पोटेशियम, क्या होगा, IP, इंट्रासेलुलर होगा तो वो होगा कौन सा होगा, पोटेशियम। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाओगे। टोटल नंबर ऑफ वेंट्रिकल इन द ब्रेन, देखो हार्ट के अंदर भी वेंट्रिकल्स होते हैं वो दूसरे होते हैं, और ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 4। ठीक है, हार्ट के अंदर वेंट्रिकल कितने होंगे, 2, और ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल कितने हैं, 4, ये बात ध्यान रखना है। लोकेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की बात करें तो वो उसका लोकेशन है मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन सा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। लोकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर वो भी मेडुला ऑब्लोंगेटा है। लोकेशन ऑफ द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस कौन सा है, हाइपोथैलेमस। तो ये तीनों ही आपको ध्यान रखना है कि कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और टेम्परेचर सेंटर। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्डियक आउटपुट रिसीव्ड बाय द ब्रेन। तो ब्रेन के द्वारा जो ब्लड रिसीव किया जाता है वो कितना परसेंट, 15%। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइनल नर्व कितनी होती है, 31 पेयर या 62, है ना, ये दोनों ही एक ही है, या तो 31 पेयर आ जाएगी या 62 स्पाइनल नर्व आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर। क्रेनियल नर्व कितनी होती है, 12 पेयर, तो 12 पेयर आएगी या 24 आएगी। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा कितनी होती है, 33। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा होती है 33, और वर्टिब्रा बोन होगी वो कितनी होगी, 26। कितने होगी, 26, ये वर्टिब्रा बोन है 26, वर्टिब्रा है वो 33। नेक्स्ट है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, सबसे जो क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर थी उसमें से सबसे लार्जेस्ट है वो ट्राइजेमिनल नर्व है। नेक्स्ट बार करते हैं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है आँख के अंदर जो मूवमेंट करवाने वाली जो मसल्स है उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। नेक्स्ट बात करते हैं वॉइस बॉक्स ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वॉइस बॉक्स है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, लेरिंग से। ठीक है, और वाइड पाइप ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वाइड पाइप है उसको वो कौन सा है, वो है ट्रेकिया। ठीक है, तो आज कुछ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में अपन पढ़े हैं, तो इसको आप अच्छे से याद करते रहिए। तो ये टोटल 40-50 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आपके YouTube पे और टारगेट क्लास के अंदर आते रहेंगे। तो टारगेट क्लास ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नंबर दे दिए, जो शुरुआत के अंदर मैंने आपको बता दिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद।